वाओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बड़ी तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके सामने गाइस रखी हैं दो बोतल। और जैसा गाइस आपने थंबनेल पे देख लिया, हमने गाइस बोतलों की सहायता से हमने चप्पल को बनाई है, यानी दोस्तों स्लीपर। तो गाइस चप्पल तो आज के समय में सभी पहनते हैं, लेकिन गाइस आप मार्केट की पहनते होंगे। बाजारों में तरह तरह की एक से एक बेहतरीन मशीनों से बनी चप्पल आपको स्लीपर मिल जाएंगी, ठीक है। क्या गाइस कभी आपने घर पर बनाई है बोतलों से चप्पल? नहीं। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम दो बोतल की सहायता से दोनों पैरों की चप्पल बनाने जा रहे हैं अपने हाथों से। देखिए गाइस आपके सामने दो बोतल है बिस्लेरी की, ठीक है। और गाइस दोनों के ढक्कन हमने निकाल दिए हैं और दोनों बोतल खाली हैं, ठीक है। चप्पल बनाने के लिए दो बद्दी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज नहीं होगी तो गाइस चप्पल बिल्कुल अधूरी है इसके बिना, ठीक है, दोनों पैरों की है। तो गाइस आज की इस वीडियो में दो खाली बोतल की सहायता से, चप्पल वाली बद्दी की सहायता से आज की इस वीडियो में बेहतरीन चप्पल बनाने जा रहे हैं, जो आज तक आपने देखी भी नहीं होगी प्लस पहनी भी नहीं होगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है, तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे इसी प्रकार की एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आपको आगे देखने को मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक का एम रखते हैं 50 लाइक का, तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको ठोक दीजिए और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग मजेदार एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो का मजा लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। खाली बोतल की चप्पल को बनाने के लिए, स्लीपर को बनाने के लिए आपके पास चार पांच चीजें होनी चाहिए, तब गाइस आपकी चप्पल बहुत ही अच्छी तरीके से बन सकती है। तो गाइस देखो आपके पास दो खाली बोतल होनी चाहिए और गाइस दो चप्पल वाली बद्दी होनी चाहिए, आपके पास एक हथौड़ा होना चाहिए, एक पिलास होना चाहिए। गाइस इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, एक मोमबत्ती एक माचिस, ठीक है। तो गाइस देखो यही आपके पास चार पांच चीजें होनी चाहिए और आपकी चप्पल बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी अगर ये सब चीज आपके पास होंगी। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो अभी गाइस हमारी बोतल दोनों फूली हुई है, ठीक है। तो गाइस इन दोनों बोतलों को पिचकाना पड़ेगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए गाइस पिचकाते हैं दोनों बोतलों को, देखना गाइस कितनी तेज आवाज करेगी। देखो देखिए गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस एक बोतल हमारी पिचक चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए गाइस पहले मैं अपने पैर का नाप देख लेता हूँ कि गाइस ये बोतल मेरे पैर की नाप की है कि नहीं, ठीक है। ये रखी मैंने जमीन पर, ठीक है, और गाइस ये मेरा पैर है। वाओ वाओ, देखिए गाइस यानी दोस्तों ये बोतल भी पूरे मेरे पैर की साइज की है, ठीक है। तो गाइस देखो बिल्कुल मेरे पैर का साइज है इस बोतल का, ठीक है। चलिए गाइस इसको भी पिचकाते हैं। तो गाइस देखो दोनों बोतलें हमारी पिचक चुकी हैं और गाइस देखो अब कैसी लग रही हैं और पहले कैसी लग रही थी, ठीक है। देखिए गाइस कितनी पतली हो चुकी है बोतल हमारी। बस अब इन चप्पल की बद्दी का नाप देखते हैं इस बोतल में, ठीक है, कि गाइस किस प्रकार से लगानी है। यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, और गाइस दो होल यहाँ पर करने पड़ेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो देखिए गाइस इस प्रकार से लगाएंगे बद्दी को बोतल में, ठीक है। तो चलिए गाइस तीन होल करते हैं इस बोतल में, ठीक है। होल करने के लिए आपके पास एक कील होनी चाहिए, जो कि दोस्तों हम इसे गर्म करेंगे और इस बोतल में लगा देंगे। चलिए गाइस गर्म करते हैं। तो गाइस देखो ये कील हमारी बहुत गर्म हो चुकी है, अब देखना गाइस कितनी जल्दी होल हो जाएगा। देखिए गाइस फाइनली गाइस हमने एक बद्दी को लगा दिया इसमें, ठीक है। देखिए गाइस कितनी अच्छी तरीके से ये लग चुकी है, दो होल यहाँ पर करने पड़ेंगे क्योंकि गाइस बिल्कुल चप्पल जैसी लग रही है बोतल हमारी। तो चलिए गाइस दो होल करते हैं और पहली चप्पल को तैयार करते हैं, ठीक है। वाओ देखिए गाइस क्या बात है, कितनी बेहतरीन लग रही है गाइस ये चप्पल, देखिए गाइस। चलिए गाइस इसे पहनकर देखते हैं, ठीक है। गाइस देखो बिल्कुल लग रही है ना चप्पल, वाओ देखिए गाइस कितनी बेहतरीन चप्पल लग रही है, इसे आप पहनकर भी कहीं भी जा सकते हैं। तो गाइस पहली चप्पल बन चुकी है, चलिए गाइस अब दूसरी चप्पल को भी बनाते हैं। A few moments later. देखिए गाइस तीनों बद्दी हमने लगा दी दूसरी चप्पल में, ठीक है, और गाइस देखो दोनों चप्पल हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं दोनों पैरों की, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं आपको पहनकर दिखाता हूँ दोनों चप्पल को दोनों पैरों में, ठीक है। वाओ देखिए गाइस दोनों पैरों में दोनों चप्पल हमारी बन चुकी हैं, जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं, और गाइस अच्छी तरीके से हम चल भी पा रहे हैं। देखिए गाइस अच्छी तरीके से पैर उठा पा रहे हैं, लेकिन गाइस इन चप्पलों में बस एक ही कमी है, ये गाइस आवाज बहुत कर रही है। देखना गाइस देखो कितनी तेज आवाज कर रही है, ठीक है, यानी दोस्तों आप जितने बार पैर उठाएंगे और जमीन पर रखेंगे उतनी ही बार गाइस ये आवाज करेंगी। देखना गाइस देखो, देखिए गाइस कितनी तेज आवाज कर रही है। तो चलिए गाइस अब उतारते हैं, ठीक है। ये गाइस पहले पैर की है चप्पल बोतल वाली, और गाइस ये दूसरे पैर की है। तो देखा गाइस आपने दो खाली बोतल की सहायता से हमने बना दिए घर पर
चप्पल। तो देखा गाइस आपने, आप घर पर भी बना सकते हैं खाली बोतल की चप्पल, जो कि गाइस हमने इस वीडियो में आपको बनाकर दिखा दी है, प्लस आपको पहनकर भी और चलकर भी दिखा दिया है। ठीक है, बस एक खूबी गलत है इन चप्पलों की, अगर दोस्तों आप इसे पहनेंगे तो गाइस आप जब भी चलेंगे, जब भी गाइस आप धरती पर पैर रखेंगे, तब गाइस ये आवाज करेंगी। देखना गाइस, देखो अभी मैं गाइस हाथ पर पहन कर दिखा देता हूँ। ठीक है, उठा लिया और जमीन पर रखें, देखिए गाइस, यानी दोस्तों जब भी आप अपने पैर जमीन पर रखेंगे इन चप्पलों को पहनकर, तब गाइस बहुत तेज आवाज करेंगी। ठीक है, देखिए गाइस, देखिए। तो देखा गाइस आपने, अगर आपके घर पर भी अगर खाली बोतल हो तो गाइस उसे फेंकना नहीं, क्योंकि दोस्तों उससे बहुत अच्छी चीज बनाई जा सकती है, जो कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखी। गाइस हमने दोनों खाली बोतलों की, दोनों पैरों की चप्पल आपके सामने इस वीडियो में बनाकर दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की मजेदार एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे इसी प्रकार की मजेदार वीडियो आपको आगे देखने को मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।